हेलो फ्रेंड होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो अपने समय का अच्छे से उपयोग कर रहे हो अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे हो आप लोग और आगे की जो प्रिपरेशन है आपकी आप उसे बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो है लेक्चर में अभी ये जो चैप्टर है हम लोग का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसमें हम लोग अब तक जो पढ़े हैं वह है जो ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर उसके बाद जो भी जो फ्रेंच रिवोल्यूशन और उसके बाद आइडिया ऑफ नेशन किस तरह से क्रिएट हुआ और फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या क्या हुए थे नेपोलियन का हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पढ़े नेपोलियनिक कोड के बारे में हम लोग द सिविल कोड ऑफ 1804 हंड्रेड फोर और नेपोलियनिक कोड के बारे में हमने पढ़ा उसके क्या स्टेप्स थे किस तरह से यूरोप में जो पेंटर्स थे उन लोगों ने नेशन को जो नेशन स्टेट है उसको किस तरह से एक फीमेल जो पिक्चर के साथ पर्सोनिफाइड कर रहे थे और एक आइडियल व्यू क्रिएट कर रहे थे ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा उसके बाद जो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज़्म इन यूरोप कैसे यूरोप में फ्रांस फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म का डिफिनेशन कैसे बना और किस तरह से लोग अपने आप को आइडेंटिफाइड कर रहे थे एज अ नेशन स्टेट के बारे में ठीक है ये भी चीज़ें हमने देखा और फिर यूरोप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ऑल ओवर यूरोप जो है डिफरेंट मोनार्कियल रीजन में ऑटोनोमस टेरिटरी में डिवाइडेड था उस समय तक कंसेप्ट जो है एक नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था मोनार्कियल जो है डि टेरेट्री थी मोनार्क रूल करते थे तो वेरियस पार्ट ठीक है यूरो जो है वेरियस मोनार्कियल टेरिटरी में डिवाइडेड था तो ये हमने अभी तक देखा है इसमें जो है पहला है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा शुरू करेंगे अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास ठीक है ना अरिस्टोक्रेसी और जो है न्यू मिडिल क्लास हम लोग पढ़ेंगे अरिस्टोक्रेसी का मतलब जो मोनार्कियल किंग होते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रूल्ड बाई मोनार्क रूल्ड बाई किंग ठीक है और जो जो भी डिसीजन लेना होता है वो एक सिंगल पर्सन जो किंग है मोनार्क वहीं लेता है ऐसे सिस्टम को हम लोग जो है ऑटो अरिस्टोक्रेसी कहते हैं एंड न्यू मिडिल क्लास मिडिल क्लास क्या है यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ड्यू टू इंडस्ट्रलाइजेशन अर्बन एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हुए एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर जो अर्बन पीपल थे उसमें कुछ ट्रेडर थे जो एजुकेटेड मैन बिजनेस मैन प्रोफेसर लॉयर्स डॉक्टर्स ठीक है ये सब मर्चेंट ये लोग थे जो एक नया कमर्शियल क्लास क्रिएट किए और इन्हीं को जो है न्यू मिडिल क्लास यूरोप में कहा जाता था तो ये सब कैसे हुआ ये चीज़ हम इस चैप्टर में जो है टॉपिक में स्टडी करेंगे जो सोशली एंड पोलिटिकली एक लैंडेड डेमोक्रेसी थी लैंडेड ऑटोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी मीन्स वैसी जो फैमिलीज थी जो ऑल ओवर लैंड को जो उनकी टेरिटरी थी उसको ऑन करते थे कंट्रोल करते थे जो भी प्रोडक्शन होता था जो टैक्स सिस्टम पर सब चीज़ों को तो सोशली और पॉलिटिकली ये लोग जो जो भी पीपल थे अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के मेंबर एंड डोमिन क्लास थे ये लोग वेरी फ्यू ग्रुप थे इनके नंबर्स बहुत कम थे बट ये लोग पावरफुल थे एक दूसरे से आपस में रिलेटेड थे तो ये लोग जो है डोमिनेंट क्लास थे वहाँ पे ठीक है ना एंड कॉमन वे यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन ये सभी जो लोग थे जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप था ये लोग कॉमन थे यूनाइटेड थे ठीक है ना जो इनका लाइफ स्टाइल था जो भी रूलिंग सिस्टम था ड्यू टू दैट कॉमन सिस्टम तो द वे कैसे कंट्रोल करते डोमिनेंट कैसे थे लोग दे ऑन स्टेट ठीक है इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस यानी ऑल ओवर कंट्री में इनके जो स्टेट थे यानी कि स्टेट मतलब रीजन ठीक है ना स्मॉल जो रीजन होते थे उसको कंट्रोल करते थे उसके बाद फ्रेंच जब कभी भी जो डिप्लोमेटिक ओकेजन होता था या हाई सोसाइटी होती थी जहाँ पे ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली गेदर्ड होते थे आपस में किसी भी ओकेजन पे या किसी भी तरीके से तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते थे ठीक है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज ऑल ओवर यूरोप या ऑल ओवर फ्रांस इवन ऑल ओवर फ्रांस में भी फ्रेंच लैंग्वेज जो है स्पोकन नहीं था सिर्फ पेरिस में बोला जाता था लेकिन जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास था अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे हमेशा अपने लाइफ में ठीक है देयर फैमिली वे आर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज ये लोग कैसे और जो यूरोपियन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी वह कैसे रिलेटेड थे एक दूसरे से मैरिज के थ्रू यानी एक जो मुनार्क है जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस का मुनार्क है तो वो स्पेन के मुनार्क के लड़की के साथ शादी कर लिया या फिर स्पेन का कोई मुनार्क है किंग है उसका बेटा है तो वो फ्रांस की किंग के लड़की से शादी कर लिया तो ऐसे ही आपस में ये लोग मैरिज के थ्रू बॉन्डेड थे ये लोग और पूरे रीजन को कंट्रोल करते थे क्योंकि जब किसी पे जब एक किंग जो है दूसरे रीजन पे अटैक करता था तो जो जो मैरिज से जो फैमिली या अरिस्टोक्रेटिक फैमिली रिलेटेड है वो उसका हेल्प करती थी या फिर एक दूसरे पे अटैक ही नहीं करते थे जहाँ जिन जिस किसी भी दो स्टेट के बीच इनका रिलेशन होता था वहाँ पे एक दूसरे पे ये लोग अटैक नहीं करते थे या एक दूसरे के साथ वार नहीं करते थे म्यूचुअली जो है रूल करते थे तो एक तरह से डिस्पाइट बींग इन फ्यू इन नंबर्स वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ड्यू टू म्यूचुअल कोऑपरेशन सभी किंग जो है एक दूसरे से रिलेटेड थे दैट्स वे जो है एक पावरफुल बॉन्ड इनका बन गया था और ये ऑल ओवर यूरोप डोमिनेट कर करते थे ठीक है तो जैसा कि ये लोग रुमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो पीजेंट्री थी मतलब पुअर पीपुल फार्मर थे आर्टिस थे ठीक है स्मॉल ट्रेडर थे प्रोफेशनल लॉयर्स ये सभी लार्जर जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी ऐसा ही था ठीक है ना टू वेस्ट वेस्टर्न यूरोपियन में जो है बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म बाय टीनेंट्स एंड ऑनर अब ये यूरोप का कंडीशन है जो उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन था सोशल कंडीशन कैसा था ठीक है ना ये चीज़ शो कर रहा है कि जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर जो बल्क ऑफ लैंड है वो टीनेंट के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था टीनेंट क्या होते हैं ठीक है ना टीनेंट ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरे के ठीक है ना अदर्स ठीक है लैंड पे वर्क करते हैं ठीक है यानी मान लो राजा है किंग है मुनार्क है या फिर कोई जो है कैप, कैपिटलिस्ट है या राजा कोई पर्सन है जिसके पास या रिच पीजेंट्स मान लो रिच फैमिली है उसके पास अपना लैंड है तो वो क्या करते थे अदर पर्सन को फार्मिंग के लिए लीज पे दे देते दे थे ठीक है ना एक तरह से रेंट पे देते थे और जो प्रोडक्शन होता था उसका मैक्सिमम पार्ट वे लोग अपने पास रखते थे तो इस तरह से एक तरह से टेनेंट मीन्स रेंट की तरह ठीक है ना रेंट पे वर्क करते थे और उस जो प्रोडक्शन होता था उसके वो सभी प्रोडक्शन का मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो है ऑनर को देना पड़ता था और वे लो, उन लोगों को जो है जो टेनेंट थे उनको बहुत ही कम पार्ट मिलते थे कुछ स्मॉल ऑनर्स थे लैंड के जबकि इस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो था उसमें लैंड होल्डिंग वाइज करेक्टराइज बाई वास्ट स्टेट जो इस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उसमें जो लैंड होल्डिंग थी वो किसके पास थी तो स्टेट होते थे स्टेट मतलब जो राजा के अंदर छोटे छोटे जो किंग आते थे एक तरह से सबोर्डिनेट टू मोनार्क जो मेन राजा होता था उसके अंडर में जो लोग आते थे ठीक है ना तो वे लोग स्टेट थे तो स्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डर थे वो स्टेट थे ठीक है एंड इनको सर्फ कल्टिवेट करते थे सर्फ जो किंग के जो किंग के लिए काम करते हैं किंग के लैंड पे जो ज़मीन होती है कल्टिवेबुल लैंड है राजा का स्टेट ऑनर का उसके लिए जो काम करता है उसको सर्फ करता हैं तो सर्फ करते थे और इसके बदले में इनको क्या दिया जाता था जो लेबर वेजेस दे दिए जाते थे बाकी टोटल प्रोडक्शन स्टेट ऑनर का हो जाता था जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रेड होना शुरू हो गया ठीक है ना वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब होना शुरू हुआ तो ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप में अर्बन एरिया का जो है कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ अर्बन क्लस्टर अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप होने लगे और इस अर्बन एरिया में वैसे लोग रहते थे जो एजुकेटेड थे ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते थे मर्चेंट प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स लॉयर्स ऐसे लोग थे ठीक है तो इन्होंने एक जो है कमर्शियल क्लास क्रिएट किया जो अर्बन पॉपुलेशन था वो एक कमर्शियल क्लास जो है क्रिएट किया जो कि प्रोडक्शन मार्केट पे बेस्ड था ये कमर्शियल क्लास किस पे बेस्ड था प्रोडक्शन मार्केट पे ठीक है ना प्रोडक्शन फॉर दार्केट मार्केट मार्केट के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता था उसी पे ये डिपेंड करता था क्योंकि ये लोग उसी का ट्रेड करते थे ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सेकेंड हाफ नाइनटीन सेंचुरी में शुरू हुआ था यूरोप में जो है लेटर लेटर पीरियड में फ्रांस एंड जर्मनी में एट द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया ठीक है ना स्टेट अकॉर्ड ओनली इन डी नाइनटीन्थ सेंचुरी इन इट्स वेक इसके बदले में क्या हुआ न्यू सोशल ग्रुप्स जो है क्रिएट हो गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा ऑल ओवर यूरोप में तो नए सोशल ग्रुप क्रिएट हो गए वही नया सोशल ग्रुप जो एक न्यू कमर्शियल ग्रुप था जिसमें एजुकेटेड पीपल प्रोफेशनल्स प्रोफेसर्स लॉयर्स डॉक्टर्स ट्रेडर्स ठीक है ये सभी लोग शामिल थे उसमें तो एक न्यू वर्किंग क्लास जो है क्रिएट हो गया एंड मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे इसमें बिजनेसमैन थे प्रोफेशनल थे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप जो है काफी स्मॉलर नंबर में थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप ये सभी वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा हो रहा था जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो है इनके नंबर्स काफी कम थे क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में देखिए इसका इफेक्ट इसीलिए था क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो इंग्लैंड में ही हुआ था जो कि वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है इंग्लैंड यूरोप के बिल्कुल वेस्टर्न में है ठीक है ना फिर उसके बाद फ्रांस जर्मनी ये सब थे जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते गए ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ही लेटर टाइम में हुआ ठीक है ना इसीलिए जो है यहाँ पे इस तरह का जो ग्रुप था जो कमर्शियल क्लास था मिडिल क्लास था वो काफ़ी देर से इमर्ज हुआ और वेरी स्मॉल नंबर में इमर्ज हुए लोग ठीक है लो, ना लेकिन इट वाज एमोंग एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोल्यूशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी यानी कि कहने का मतलब है कि ये मिडिल क्लास ही थे यूरोप में नए जो कमर्शियल क्लास थे मिडिल क्लास जो लिबरल मिडिल क्लास जिसको हम लोग कहते हैं मतलब काफ़ी ये लोग लिबरल जो ऐसे लोग थे जो फ्रीडम को ज़्यादा प्रेफर करते थे एनी काइंड ऑफ़ फ्रीडम लाइक इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम ठीक है तो ये जो लिबरल मिडिल क्लास था इन लोगों ने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को नेशनलिज्म को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया बढ़ाया इन लोगों ने अगेंस्ट अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम ओके तो अब हम लोग आते हैं पढ़ते हैं क्या वाट डिड लिबरल नेशनलिज़्म स्टैंड फॉर जब लिबरल मिडिल क्लास ने नेशनलिस्टिक सिस्टम को नेशनलिस्टिक रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाया प्रीफर किया तो लिबरल नेशनलिज़्म क्या था इसमें मेनली जो है इसका मेन जो थीम है कि लिबरल जो थे वो ऐसे पीपल थे लिबरल का मतलब ही होता है फ्रीडम ठीक है ना लिबरेट लिबरेट करना लिबर मीन्स फ्रीडम होता है ठीक है तो वैसे पीपल थे ये लोग जो फ्रीडम को मेन थीम मानते थे ईच एंड एवरी जो पॉलिसी इनका था उसमें फ्रीडम को ये लोग जो है सेंट्रल थीम मानते थे सेंटर में रखते थे और उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते थे इधर इकोनॉमिक एक्टिव इकोनॉमिक फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब मार्केट फ्री हो जाए जो टैक्स रिलैक्सेशन होना चाहिए एक्स्ट्रा जो टैक्स बर्डन है वो हटना चाहिए बहुत तरह के जो कस्टम हैं लाइक जो कस्टम एंड एक्साइज है उसको रिमूव कर देना चाहिए मार्केट का यूनिफिकेशन होना चाहिए कंट्री का यूनिफिकेशन होना चाहिए ठीक है ना एक नेशनल करेंसी होनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी जो है फास्ट हो जाए उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम भी लाइक इक्वल राइट्स फंडामेंटल जो इक्वल ह्यूमन राइट्स है वो सभी को इ ऑफ रिलीजन कास्ट कलर एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे जैसे ये लोग प्रॉपर्टीड पर्सन को ज़्यादा प्रीफर करते थे लिबरल प्रॉपर्टीड जो सिटीजन्स थे उन्हीं को राइट्स ये लोग प्रोवाइड करने के फेवर में होते थे ठीक है तो इनके कुछ ड्राबैक्स भी थे लेकिन मेनली क्या था इनका कि फ्रीडम जो है होना चाहिए सोसाइटी में और उसके बाद ये जो अपना इनका एक अपना नेशन का टेरिटरी हो उसके फ्लैग हो, ठीक है इस तरह के व्यू थे इनके तो यही हम लोग इसमें स्टडी करेंगे द लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम लैटिन रूट लिबर लिबर मीन्स क्या फ्री ठीक है, न्यू मिडिल क्लास के लिए ठीक है, जो न्यू मिडिल क्लास थे, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पर्सन है उसका फ्रीडम उसके पास होना चाहिए ऐसा ये लोग मानते थे एंड इक्वलिटी फ्रीडम के साथ साथ इक्वलिटी ऑल बिफोर लॉ यानी सभी के लिए लॉ इक्वल होना चाहिए और हर कोई ईच एंड एवरी सिटीजन जो है फ्री होना चाहिए फ्रीडम होना चाहिए उसका कुछ भी कोई भी काम करने के लिए अगर हम पॉलिटिकली बात करें इसकी तो इट इम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट ठीक है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ठीक है तो इसका हो सकता है आपको वन लाइनर क्वेश्चन या वन मार्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं तो पोलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म मीन मीन्स कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट क्या है मतलब कि पब्लिक जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो पब्लिक के थ्रू हो पब्लिक रूलर्स को पब्लिक इलेक्ट करे अर्थात इसका मतलब इलेक्शन ठीक है जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हुआ था नेशनल असेंबली अपॉइंट करने के लिए पब्लिक ने एक्टिव सिटीजन जो थे उन्होंने आ, वोटिंग की वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और वे रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली बनाए जो कि गवर्नमेंट को रन करती थी ठीक है तो सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द इंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज क्लेरिकल प्रिविलेज मतलब जो गवर्नमेंट फ्यूडल जो सिस्टम फ्यूडल प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाते थे जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में आप क्लर्गी और नोबिलिटी को हमने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में उसमें क्या है कि फ्यूडल फैसिलिटी जो है इस्टेट दो फर्स्ट टू इस्टेट थे फर्स्ट स्टेट क्लर्गी और सेकेंड स्टेट नोबिलिटी को बहुत सारा फ्यूडल जो क्लैरिकल जो प्रिविलेज है वो प्रोवाइड किया गया था बाय बर्थ ठीक है ना वो बाय बर्थ था ठीक है तो यही चीज कह रहा है कि लिबरल हैड स्टूड फॉर द इंड ऑफ ऑटोक्रसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट ठीक है क्या होना चाहिए ठीक है तो आ, अरिस्टो जो है गौर्ण, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न की जाए यानी कि एक पार्लियामेंट हो उसके मेंबर इलेक्ट किए जाए थ्रू रिप्रेजेंटेशन थ्रू इलेक्शन और वे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वे लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करें और पॉलिसी डिसाइड करें नाइनटीन सेंचुरी लिबरल आल्सो एस्ट्रेस्ट द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ जो उस समय के जो लिबरल थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे वो वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में होते थे इन वाबिलिटी इन वायुबिलिटी का मतलब होता है डू नॉट डिस्ट्रॉय ठीक है प्राइवेट डू नॉट डिस्ट्रॉय ठीक है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय ना किया जाए वॉयलेट ना किया जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये लोग नहीं चाहते थे जो प्रॉपर्टीड मैन थे वो चाहते थे कि इनके पास जो है प्रॉपर्टी रहे क्यों ऐसा क्यों था क्योंकि ये जो लिबरल थे ना वो रिच क्लास से ही बिलोंग करते थे ठीक है एजुकेटेड एंड रिच क्लास ये ही लोग थे दैट्स ये लोग जो है ऐसा चाहते थे फिर भी ये इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज जो इक्वालिटी लिबरल्स जो हैं जिस इक्वालिटी बिफोर लॉ की ये लोग बात करते थे उसका मतलब ये नहीं था ठीक है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब किसी भी कंट्री के ईच एंड एवरी सिटीजन जो 18 प्लस ईयर के हैं उनको वोटिंग राइट दिया गया हो लेकिन इन नाइनटीन सेंचुरी ऑफ नेशनलिज्म एंड पार्टिकुलरली इन लिबरल नेशनलिज़म ये लोग ईच एंड एवरी सिटीजन के लिए फेवर में वोटिंग राइट के फेवर में नहीं थे क्योंकि लिबरल ने वोमेंस के वोटिंग राइट को अपोज किया था जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको जो है वोटिंग राइट नहीं दिए थे देने के फेवर में नहीं थे लोग ये लोग और दूसरा चीज़ कि इसके लिए एज भी था कि जो 25 ईयर एज से ऊपर है और जिन्होंने जो टैक्स पे करते हैं जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में हम लोग एक्टिव सिटीजन के बारे में पढ़ा है तो ये लोग ऐसे फेवर में थे ठीक है इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क एज फर्स्ट पोलिटिकल एक्सपेरिमेंट लिबरल डेमोक्रेसी राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉ ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रोपर्टी डॉन मेन ठीक है ना जैसा कि फ्रांस में हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वोमेन वे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पोलिटिकल राइट जितने भी जो सिटीजन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ऑल वोमेन चाहे वो रिच क्लास की हों या पुअर क्लास की हों ठीक है ना जिनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है ये लोग जो है इनको नहीं वोमेन्स को जो भी पोलिटिकल राइट्स था लाइक पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन टू फाइट कंटेस्ट इलेक्शन मेकिंग टू मेक पोलिटिकल पार्टी ठीक है वोटिंग राइट ये किसी तरह का इनको राइट right प्रोवाइड नहीं किया गया था थ्रू आउट century सेंचुरी एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरीज वोमेन एंड नॉन men ऑर्गेनाइज तो जब राइट right नहीं दिया गया तो क्या हुआ कि ऑल ओवर नाइनटीन सेंचुरी ठीक है ना जब राइट right नहीं दिया जाता तो क्या होता है लोग अपने राइट right की डिमांड करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं उसके लिए तो जो नन प्रोपर्टिड मैन थे जो वोमन थे ठीक है इन लोगों ने थ्रो आउट द नाइन्टीन सेंचुरी अपनी फॉर डिमांड ऑफ देयर पोलिटिकल राइट इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया पोलिटिकल पार्टीज बनाए बहुत सारे क्लब बनाए ये लोग और उनमें से कुछ जो पोलिटिकल क्लब्स थे वो सक्सेसफुल भी थे ठीक है और फाइनली बाद में चल के इनको राइट जो है दिया गया लेकिन ये लोग अपने इक्वल राइट right की डिमांड हमेशा करते रहे इन द इकोनॉमिक एसफेयर ठीक है इन द इकोनॉमिक एसफेयर लिबरलिज्म लिबरलिज्मूड अब देखो पॉलिटिकल मीनिंग हो गया लिबरल नेशनलिज्म का इकोनॉमिक मीनिंग क्या था लिबरल नेशनलिज्म का लिबरलिज्म लिबरलिज्मूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन का एक मतलब क्या होता है जितने भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन है मार्केट के ऊपर उसको हटा देना यानी मार्केट को फ्री कर देना फ्रॉम इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन ठीक है एंड द एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल यानी स्टेट गवर्नमेंट जितने भी रिस्ट्रिक्शन जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्ट है उस पर रखे लगाया हुआ है इम्पोज किया है उसको हटा देना ठीक है ना जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या कैसे इम्पोज करती है जैसे कि कह देगी गवर्नमेंट कि भाई जो उस कंट्री किसी पार्टिकुलर कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं वो अदर कंट्री में अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हैं जैसे फ्रांस का कोई मेनुफैक्चर है प्रोड्यूसर है तो उसको जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसे फ्रांस में ही सेल करना पड़ेगा और फ्रांस के बाहर की जो कोई कंपनी है प्रोड्यूसर है वो फ्रांस में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है तो इस तरह से क्या करते हैं स्टेट क्या करती है रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज की होती है तो लिबरलिस्ट लिबरल चाहते थे कि ऐसे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया जाए ठीक है ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमरजिंग मिडिल क्लास क्यों इमर्जिंग मिडिल क्लास के ही क्यों ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थे क्योंकि यह मिडिल क्लास ही था जो उस समय ट्रेडिंग क्लास था ट्रेड करते थे बिजनेस करते थे एक बिजनेस कम्युनिटी थे ये लोग दैट्स वाई ठीक है लेटेस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नाइन्टीन सेंचुरी नेपोलियन जो है क्या किया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएट किया था और उसने बहुत सारे जर्मन स्मॉल स्टेट को मिलाकर काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ ठीक है ऑफ अ कन्फेडरेशन ऑफ थर्टी नाइन बनाया था मतलब जर्मन स्पीकिंग जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट थे उनको सबको मिला करके थर्टी नाइन ऐसे स्टेट को मिला करके जो नेपोलियन है उसने एक कन्फेडरेशन प्रिपेयर तैयार किया और इसका कन्फेड्रेशन का बेनिफिट ये था कि इन दिस कन्फेडरेशन कोई भी जो ट्रेडर है मर्चेंट है बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मली जो है सेल कर सकता है क्योंकि इससे पहले क्या था कि डिफ़रेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट उसको टैक्स पे करने पड़ते थे जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे एक कोई बिजनेस मैन है जो एक कंट्री से अपने कंट्री से चला और उसे दूसरी कहीं कंट्री में जाना है और बीच में बहुत सारे लाभ मान लो पाँच छः सात या दस स्टेट को क्रॉस करना है ठीक है तो उसे सभी स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करने पड़ते थे और सभी के लिए सभी स्टेट में डिफरेंट टैक्स था अकॉर्डिंग टू वेट एंड मटेरियल ठीक है ना जो वो प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसके आधार पे था तो नेपोलियन ने इन सब को एबोलिश करके एक कन्फेडरेशन तैयार कर दिया और उसमें क्या किया इसने कि सब कुछ यूनिफॉर्म कर दिया वेट मेजरमेंट सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम एक ही कस्टम सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी जो है फास्ट हो गया ईच ऑफ दिस पोजेस्ट इट्स ऑन करेंसी जितने भी प्रिंसिपलिटीज थे थर्टी पहले बिफोर क्रिएटिंग दिस कन्फेडरेशन पहले जो है सभी के पास अपना करेंसी था और वेट एंड मेजर सिस्टम था अगर कोई मर्चेंट 1833 में उस समय की बात की जा रही है 1833 में हैम्बर्ग हैम्बर्ग से अगर नूरेमबर्ग जा रहा है सम अपना कोई प्रोडक्ट बेचने हैम्बर्ग से वह चला उसको अपना प्रोडक्ट नूरेमबर्ग में बेच सेल करना है तो बीच में उसको 11 कस्टम पे करने पड़ते थे कस्टम बैरियर्स यानी कि एक तरह से चेक पोस्ट बॉर्डर होता है 11 या हम ये भी कर सकते हैं कि उसको इलेवन स्टेट्स जो है क्रॉस करना पड़ता था और सभी पे उसको जो है अबाउट फाइव परसेंट ऑफ इच सभी जितने इलेवन स्टेट्स थे कस्टम जो है जो कस्टम बैरियर था उन सब पे उसको जो है फाइव परसेंट का कस्टम पे करना पड़ता था अपने प्रोडक्ट्स का जो भी उसका प्रोडक्ट है जितने इसकी वैल्यू है उसका जो है फाइव परसेंट उसको क्या करना पड़ता था पे करना पड़ता था अब इतना सारा टैक्स पे करने के बाद वह बेचने जाएगा तो ऑबियसली उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा जब प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएंगे तो लोग खरीदेंगे ही नहीं ना इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी स्लो हो जाएगी सो ड्यूटीज़ वेयर ऑफ एन डिवाइड अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट ऑफ़ गुड्स ठीक है ना जितना वेट होता था जो भी प्रोडक्ट होते थे गुड्स होते थे या मेजरमेंट ठीक है ना उस आधार पे जो है ड्यूटीज जो कस्टम ड्यूटी था उसको लिया जाता था एज इच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर दिज इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था सभी जगह ठीक है ना दिज द मेजर ऑफ क्लोथ वाज एली एली क्या है ठीक है यह ध्यान देना है एली जो है ठीक है एली एक मेजरमेंट सिस्टम है किसका क्लोथ का क्लोथ मेजरिंग सिस्टम है जो कि जितने भी रीजन थे यूरोप में सबके लिए अलग अलग उसका मेजरमेंट था ठीक है ना जैसे एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ठीक है ना अगर मान लो फ्रैंकफर्ट में अगर एली है मेजरिंग सिस्टम क्लॉथ मेजरिंग स्केल तो वह 54.7 सेंटीमीटर है मेन्ज में मेन्ज में वह जो 55.1 सेंटीमीटर है एंड नूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर है एंड इन फेरिलबर्ग फेरीबर्ग फिफ्टी सेंटीमीटर अर्थात तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एली की जो मेजरमेंट है वह डिफरेंट है तो डिफरेंट मेजरमेंट होने की वजह से उसको डिफरेंट जो है कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ता था ईच एंड एवरी रीजन में जब लेकिन नेपोलियन ने इन सब को हटा दिया तो यह काफ़ी एक जो है यूनिफॉर्म हो गया सच कंडीशन वी आर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास जो न्यू मिडिल क्लास था कमर्शियल क्लास था वो इस तरह के अरेंजमेंट को जो है क्या सोचता था कि यह जो है एक तरह से काफी जो है आपको ऑबस्टेकल क्रिएट कर रहा है सो इन एटीन थर्टी फोर अ कस्टम यूनियन और जेलवेरिन ज्वेलवेरिन क्या है आपको ध्यान रखना है इसको आपको जेलवेरिन जो है कस्टम यूनियन है ठीक है कस्टम्स यूनियन कस्टम यूनियन मतलब बहुत सारे स्टेट को मिला करके एक कस्टम को एबोलिश करके एक ही कस्टम डिसाइड कर दिया गया वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइन बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर थर्टी टू टू यानी उस समय जो यूरोप में थर्टी मोर देन थर्टी करेंसीज थी उनको सिर्फ दो करेंसी में बदल दिया गया अब इस दो करेंसी से क्या हो कितना ज़्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि दो करेंसी है इसका मतलब कि एक ही करेंसी जो है यूरोप के बहुत सारे स्टेट में जो है व, वैलिड होगा तो वैलिड होगा तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा एक्सचेंज में करने में द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड जो अगर रेलवे नेटवर्क का क्रिएशन होने लगा तो फर्दर जो है मोबिलिटी मोबिलिटी मतलब जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ा दिया इंक्रीज कर दिया स्टिमुलेट का मतलब इंक्रीज कर दिया हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्नेसिंग मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसको बढ़ावा देना एंड नेशनल यूनिफिकेशन को भी बढ़ाया ठीक है अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट ग्रोइंग एट दैट टाइम ठीक है तो बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेंस वहां पर बढ़ना शुरू हो गया ठीक है तो इस चैप्टर चफ... इस जो है वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना इतना ही ये टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 तब तक के लिए आप